खाना पीना खा के बस सोए हुए थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा तेज आवाज, हमें लगा कि कहीं अगल बगल कोई भूकंप हुआ या बहुत बम विस्फोट हुआ है कहीं, एकदम लगा कि एकदम निकट में हुआ है। अरे हमारे घर के बगल में इधर सबके मतलब बम बनाता था, उसी में विस्फोट हुआ था, पापा गए। लोग यही बिजनेस करता है आर्म्स का, और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी भी फिर अभी 3 मंजिला बिल्डिंग उन लोग का ध्वस्त हो गया। एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को, यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना और ये पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है, और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था, पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है। ये प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए कि हमारा कहीं सर बारूद के ढेर पर तो नहीं खड़ा हो गया है। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के काजवाली चक में देर रात नवीन आतिशबाज के घर जबरदस्त बम धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा 2 मंजिला इमारत ढह गया। वहीं हादसे में अभी तक 5 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई अन्य घायल हैं। मृतकों में गणेश सिंह, उर्मिला देवी, राजकुमार साह, पिंकी देवी और एक बच्चा शामिल है। वहीं धमाके से तकरीबन 2 किलोमीटर तक का पूरा इलाका दहल गया, जबकि धमाके की गूंज 4 किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास के मकान में लगे खिड़की के कांच टूटकर सड़क पर बिखर गए। विस्फोट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आसपास के लोगों ने सोचा कि भूकंप आ गया है। आनन फानन में लोग घर छोड़कर रोड पर आ गए। इसके बाद लोगों को हादसे के बारे में जानकारी मिली। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर मलबे से कई लोगों की जान बचाई। सूचना मिलते ही रेंज DIG सुजीत कुमार, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, पुलिस कप्तान बाबूराम सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घंटों JCB से मलबे को हटवाया। वहीं पड़ोसी व प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि ये लोग बहुत दिनों से पटाखा बनाने का काम करते थे। उसका 3 मंजिला मकान और मेरे घर का कई हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। धमाका बहुत जोरदार था। घटना में बाल बाल बची मृतक गणेश मंडल की बेटी पिंकी कुमारी ने बताया कि वो 9 बजे ही कोलकाता से आई थी। खाने के बाद सब बैठे थे, तभी अचानक तेज धमाका हुआ और पूरा घर गिर गया। बगल वाला घर भी गिर गया। रूम में पापा सोए थे, वो नहीं रहे। एक बूढ़ी दादी थी, 35 साल से घर में सोने आती थी, उनकी भी मौत हो गई। रात में कोलकाता से आए थे, खाना पीना खा के बस सोए हुए थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे, पापा खत्म हो गए, और मिलाती थी वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे ऊपर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहां से जल्दी से बाहर निकले तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है, बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे। ये मेरा मायका है, माँ का घर है, ससुराल मेरा कलकत्ता में है। अभी आए थे 9 बजे, रात में ही आए थे कबीर गुरु से। DIG सुजीत कुमार ने कहा कि विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना पर यहां पहुंचे हैं हम लोग, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि घर में कितने लोग थे और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। स्पष्ट जानकारी अभी नहीं बताई जा सकती। रात में ततारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को, यहां आने पर पूरे स्थल का मुआयना और ये पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है, और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे, और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए हैं कुछ पता है? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से
एम्बुलेंस और जेसीबी जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है। सर, जिस तरह का एक्सप्लोजन है, क्या लग रहा है? अभी अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा शहर के बीचों ये बात है। अभी यहाँ पे जो ऊपर ऊपर से बातचीत लोगों से कर कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोजन होने से क्षति होते रही है, और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे पूरे आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है तो उससे ये पता चल रहा है कि पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से पता चलेगा। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सुबह 8 बजे दिए बयान में बताया कि कई लोगों की मौत की सूचना है, आगे संख्या बढ़ भी सकती है, 7 लोग घायल हैं, बारीकी से मामले की जांच की जा रही है। हुई है ब्लास्ट की घटना, और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएँ कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है, तो ये सब जाँच का विषय है और इस पर जो भी आगे कार्रवाई होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। अभी डिटेल हम लोग हैं, 9 से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, हम लोग कन्फर्म कर रहे हैं। सर, कितने घरों को नुकसान हुआ है? सर, नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज़ है सर ये विस्फोटक की जो है ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में इसका इस घर का उपयोग होता रहा है। यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे, यही अभी हम लोग को पता चला है। और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर। शहर के बीचों बीच है सर, घनी आबादी है और आतिशबाजी है, जितना शहर वही आपको हमने बताया कि जो जानकारी हम लोग अभी तक इकट्ठा कर पाए हैं उसमें ये पता चला है कि पटाखा बनाने के दौरान ये घटना हुई है। और जिसमें सर कितनी मौत सर हुई? अभी 2 की पुष्टि हो गई है लेकिन संख्या अभी बढ़ेगी। 2 तो अस्पताल में डेड बॉडी चली गई है और भी कुछ डेड बॉडी जो है। इंजर्ड कितने हैं सर? इंजर्ड 7 हैं लेकिन ये भी संख्या अभी हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। अभी 1-2 घंटे में हम लोग आपको बता पाएंगे कितने इंजर्ड हैं और उसमें से सीवियरली कितने इंजर्ड हैं और मृतक एक्चुअल कितने हैं। रेस्क्यू की क्या स्थिति है सर? चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं मलबा हटाए जाने का काम अभी तेजी से चल रहा है, तो अभी 1-2 घंटे में सारा मलबा हट जाएगा, फिर मृतकों की संख्या भी क्लियर हो पाएगी और जो इंजर्ड है उसमें कितने सामान्य तरीके से माइल्ड इंजरी है और कितने में सीवियर इंजरी है ये भी क्लियर होगा। बता दें जिस मकान में धमाका हुआ था उस मकान में इससे पूर्व में भी 3 बार धमाका हो चुका है। मकान में रह रहे लोग पटाखा कारोबारी थे। 2002 में भी बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई थी। 4 साल पहले भी विस्फोट में कुछ लोग जख्मी हुए थे लेकिन इसके बाद भी वे लोग बारूद का कारोबार कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग शिक्षित आदमी है, यहाँ पर एक फैमिली जो 4 जनरेशन से ये लोग यही बिजनेस करता है आर्म्स का, और ये सब बम बनाता है ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी भी फिर अभी 3 मंजिला बिल्डिंग उन लोग का ध्वस्त हो गया, मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया, मेरे बच्चे को चोट लगा, मेरी नातिनी को चोट लगा है, वो लोग एकदम डैमेज वहाँ गई है। इसको तो नहीं मालूम है नाम, लेकिन ये मकान में बनाता है ये लोग, कोई सुनवाई नहीं होता है। ये तो एकदम खत्म होना चाहिए, शहर में मेन शहर में ये चीज़ है, ये चीज़ तो बंद होना चाहिए। अब हम लोग मर के बचे हैं, ये चीज़ क्या? कितने बजे घटना हुई? घटना हुआ है अभी 10:30 बजे ये घटना हुई सर। धमाका कितना तेज था? धमाका इतना तेज था कि आप जंगी में भी आदमी, क्या लगता है छोटा बम होगा क्या? इतना जोरदार धमाका, बहुत जोर जब बोला, 3 मंजिला बिल्डिंग जब ध्वस्त हो गया उसका पूरा बम का जो चिंगारी उड़ा, पूरा मेरे घर डैमेज हो गया, मेरा पूरा वॉशिंग मशीन टीवी फ्रिज सब बर्बाद हो गया।
इससे पहले भी इनके घर में हुआ? हाँ, पहले इनके घर में पहले भी हुआ होता भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ जमाल। देखिए, हम लोग लगभग 11:30 बजे बाहर किसी कार्यक्रम से आकर घर में बैठे ही थे। लगभग 11:30 से 12:15 की का समय हो रहा होगा। घर में बैठ कर बातचीत कर रहे थे, तब तक बहुत बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ हुई। हमें लगा कि कहीं अगल बगल कोई भूकंप हुआ या बहुत बम विस्फोट हुआ है कहीं, एकदम लगा कि एकदम निकट में हुआ है। हम लोग एकदम सब लोग कॉलोनी से बाहर निकल गए, और चूँकि जहाँ पर घटना हुई है उस इलाके में पहले भी ऐसी घटना घटित हो चुकी थी, तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि ये काजवली चक मोहल्ले में हुआ है और मेरा यह क्षेत्र भी पड़ता है। तो मैं तुरंत वहाँ से निकली, और निकलते निकलते हमने जेसीबी के लिए, और वो पता चल गया कि यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है बहुत तेज। और हमारे आते आते मालूम हुआ यहाँ पर कि अगल बगल के लगभग 4 मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गए, उसके अंदर कुछ लोग।